Silk Mark has come up with this pageant. Iska naam hai Shrimati Silk Mark. And it is already very popular in the south, and it's a very famous pageant. And I would like to welcome them in Mumbai. Iske baad wo Pune aur Surat aise alag cities mein bhi pageants conduct karne wale hain, lekin it's their first venture in west zone, and I would like to welcome them. And bahut important hota hai hamare tradition ko conserve karna ya usko uski care karna. Kahi pe hum pichle thode decades mein kahi bhool rahe hain hamari tradition, kahi pe shayad apni heritage bhool rahe hain shayad, lekin everything is coming up together very beautifully. And jis tarah se silk ko promote kiya ja raha hai, jo ki I think we as Indians, हमारे heritage में पहले से ही बहुत from centuries we it is something, it's a very important aspect of our clothing for every woman. जैसे सोना हमारे लिए हर औरत के लिए एक गहना होता है, वैसे silk भी एक गहना होता है. And I think this is a beautiful event, and सिर्फ एक इवेंट नारी के लिए इवेंट या फिर एक नारी के लिए सिल्क नहीं होते हुए एक हाउसवाइफ के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए. दे आर ब्यूटीफुल वुमेन, एंड आई थिंक दिस विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दीज वुमेन टू कम आउट ऑफ द शेल एंड टू स्टैंड अप फॉर देम सेल्स. सो इट्स गोइंग टू बी अ नाइस इवेंट, एंड आई एम गोइंग टू बी अ शो स्टॉपर फॉर देम. सो आई एम वेरी ऑब्लाइज एंड हैप्पी. आई थिंक अभी ज़माना काफ़ी बदलने लगा है, और इनफैक्ट हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, तो इट इज़ वेरी नाइस. एंड काफ़ी चेंजेस, अभी हम अगर थोड़े सालों की बात करें, पिछले 5-10 सालों में बहुत चेंज हो चुका है, और नारी को यानी हाउसवाइफ्स को काफ़ी सपोर्ट मिलता है. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म. एंड जो हस्बैंड्स नहीं चाहते हैं, आई वुड से प्लीज़ गाइज डोंट डू दैट. यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू, सो प्लीज़ लेट देम आल्सो लिव द लाइफ. और नारी कभी ये नहीं कहती, हाउसवाइफ जो होती है, आई थिंक आई रिस्पेक्ट हाउसवाइफ्स अ लॉट. दे डू अ लॉट ऑफ इट. सिर्फ घर संभालना नहीं होता है, लेकिन देर इज़ अ लॉट ऑफ बैलेंस दैट हैपन्स दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ. जो आपको नहीं, आप जब तक आप उनकी जगह पे नहीं रह के देखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. इट टेक्स अ बिग डील टू बी अ हाउस वाइफ एंड टू हैव दैन एंटायर बैलेंस्ड हाउस होल्ड. तो आई थिंक यू शुड गिव अर दैट अपॉर्चुनिटी टू गो आउट एंड एक्सप्लोर हर सेल्फ, बिकॉज शी इज़ नॉट रनिंग अवे एनीवेयर. शी इज़ अ मल्टी टास्कर. वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि हमारी जो नारी है, भारतीय नारी जो है, वो सब कुछ कर लेती है. बर्तन भी साफ कर सकती है, कपड़े भी साफ कर सकती है, कपड़े धो सकती है, खाना बना सकती है, और बाहर जाके काम भी कर सकती है. जो ऊपर वाले ने जब औरत को बनाया था, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वालिटीज दे दिए थे. हाँ, आई अंडरस्टैंड, वी आर नॉट ट्राइंग टू कम्पीट विथ मैन एट ऑल. हम लोग ये कभी नहीं कहना चाहते कि हम मर्दों से बहुत ऊपर है, हम बिल्कुल नहीं कहते हैं. लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि हमें भी हमारा स्थान दीजिए, हमें एक आप छोटा एक यू वॉन्ट टू गिव अस अ स्टेप देयर लिटिल लोअर. वी विल नेवर, आर कल्चर इज, आर ट्रेडिशन इज सच अ वे दैट हम लोग नहीं कहते कि हम हमारे पतियों से बढ़कर है, कभी नहीं. ये दिस इज़ वॉट आर कल्चर इज, बट वी जस्ट से दैट वी गिव अस सच रिस्पेक्ट. Give us a little space, maybe next to you, maybe even if it's a step lower, but just be there. I mean, let us have a space there. That is what we actually demand for. Aur jin husbands ko ye samajh mein aa gaya hai, they always support their wives a lot. बिग बॉस नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं पिछले महीने बहुत सारा शूट कर रही थी, और एक ट्रेनिंग पे गई हुई थी. जो आई मीन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बहुत सारा स्पोर्ट्स करती हूँ, मोटर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स. अब मैं फॉर्मूला 4 रेसिंग करने वाली हूँ. तो हाल ही आज ही सुबह मैं कोयम्बतूर से लौटी हूँ. तो दिल्ली में मेरी रेस है अगले महीने, तो जिसके तैयारी के लिए गई थी. तो अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस देख नहीं पाई हूँ. सो आई एम सो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू आंसर दैट. आई हैव बीन वर्किंग. ऐसा है ना कि 24 घंटे भी कम पड़ते हैं एक लाइफ में. वो जो योर लाइफ टाइम इज लेस टू डू ऑल दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. सिर्फ एक्टिंग, या एक्टिंग आई एम डूइंग फाइन, एवरीथिंग, दैट्स अनदर साइड ऑफ मी, बट देयर इज अ डिफरेंट साइड ऑफ मी एज वेल. और मुझे लगता है कि टाइम बहुत ही कम है. आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू डू ऑल दैट आई वॉन्ट टू डू. सो बिग बॉस इज लाइक, आई एम सॉरी, बट आई हैव मच मोर बेटर थिंग्स टू डू फॉर माई सेल्फ एंड टू ग्रो माई सेल्फ. जी क्या हो रहा है, नया प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट अभी जो मेरे दो फिल्में ऑन फ्लोर है, एक है तुझे सलाम इंडिया विद आर्य बब्बर, और एक मराठी फिल्म है दिल दोस्ती दीवानगी विच इज़ ऑन फ्लोर एज वेल, जो इस नवंबर एंड में ख़त्म हो जाएगी. बिसाइड्स आई हैव 3 रिलीजेस कमिंग दिस आई थिंक इन द कमिंग ईयर, विच इज़ वन इज़ सोबत, वन इज़ भय, वन इज़ लव बेटिंग.
and the ones I'm doing. So these are the five films, yeah, coming this year. Apart from that, my new venture, this is my Formula 4 Racing is my new venture. JK Tyres has their final round happening in Buddha International Circuit, BIC in Delhi, Noida. So agle maine, I won't be available here. I think from the 15th to the 20th, I'll be at the track. Just hope and pray for me that I don't get damaged and I return safely. जी रिस्की तो है ही लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे होते हैं जैसे हमें फायर सूट्स दिए जाते हैं हम जो कपड़े पहनते हैं हमारी बूट्स हेलमेट कपड़े सारा फायर प्रूफ होता है इनफैक्ट ये सिर्फ 6 बार आप धो सकते हो उसके बाद उसकी फायर प्रूफिंग चली जाती है तो जो आप फायर और बाकी के जो ये है वो सारे फायर प्रूफ है लेकिन हमारा जो कार होता है इसमें यू हैव टू स्लाइड इन एंड सिट और एक रोल केज होता है ऊपर उसके सीट बेल्ट अलग होते हैं 4 तरह से इसके सीट बेल्ट होते हैं जो कि आपको एकदम टाइट रखते हैं तो इफ़ यू गो टू सीट्स प्रीटी सेफ बट अगर एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं तो रेस में अगर किसी का पहिया अगर किसी और के पहिए के ऊपर चढ़ गया तो टॉपल हो सकती है लेकिन इवन इफ यू टॉपल स्पिन तो बहुत होती है गाड़ी बहुत अलग होती है चलाने के लिए इट्स वेरी डिफरेंट लिटिल चलाने का स्टाइल भी बहुत अलग है बहुत फास्ट होती है गाड़ियाँ और ये स्पिन बहुत करती हैं तो अगर आगे वाले किसी ने स्पिन कर लिया और अगर हमारा पहिया वी आर इन फुल स्पीड सो इफ़ यू पहिया चढ़ गया तो गाड़ी उल्टी हो सकती है लेकिन अगर उल्टी भी होती है तो आ सीट बेल्ट आर सो टाइट एंड सो डिफरेंटली ऑर्गेनाइज कि देर इज़ अ रोल केज यू नो रोल बार ऑन द टॉप ऑफ योर हेड तो अगर आप उल्टी अगर रोल भी कर ले तो यू विल बी टाइट इन साइड द सीट इन साइड द एंटायर रोल केज तो यू आर काइंड ऑफ सेफ बट यू नेवर नो यू हैव टू ऑलवेज बी जी डर के आगे जीत है ये दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स यू नो एंड पहले दिन मैं भी थोड़ी सी नर्वस थी पहले दिन मैं भी थोड़ी नर्वस थी मैंने कहा पता नहीं कैसे कर पाऊँगी करूँगी और लड़के कर रहे थे ना लड़कियाँ तो है नहीं वहाँ पे तो सारे लड़के कर रहे थे तो लड़के तो फुल स्पीड दे वर लाइक वो देख के मैं थोड़ी सी डरी हुई थी पहले मैंने कहा पता नहीं इतने स्पीड में मैं हैंडल कर पाऊँगी या नहीं और जो स्पिन सिर्फ मैं नहीं लड़के भी सब लोग स्पिन हो रहे थे देख के अरे बाबा क्या होगा अंदर पता नहीं थोड़ा सा स्किड हो जाएगा स्पिन कर लेते हैं तो बट इट वॉज़ अमेजिंग पहले दिन में थोड़ा सा वी वेंट स्टेप बाई स्टेप फर्स्ट डे ओनली वी गॉट अ लिटिल हैंग ऑफ इट सो फार माई थिंक सो मैंने मेरे तीन ट्रैक डेज हुए हैं तो वक्त बहुत कम मिलता है और उस वक्त में हमें हर एक लैप में कुछ नया सीखना होता है ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ जाके प्रैक्टिस कर सकूँ क्योंकि बॉम्बे में तो है नहीं मुझे कोयम्बतूर जाना पड़ता है या फिर दिल्ली तो अगर 2 घंटा मिलता है या फिर अगर मुझे पता है मुझे 10 लैप ही मिलने वाले हैं तो मुझे ये देखना चाहिए कि हर एक लैप में मेरी टाइमिंग कैसे इम्प्रूव हो सकती है और मैं क्या टेक्निकली क्या बेटर कर सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स या वेरी एक्साइटिंग तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम थ्रिल्ड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट पहली बार मैं लड़कों के साथ रेस करूँगी और आई जस्ट होप आई डू इट वेल आई डोंट मेरा यही कहना है हाँ अगर लड़कों को हरा सकूँ तो विल बी नाइस बट अभी फिलहाल मैं वो कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ मैं मेरे प्लेजर के लिए कर रही हूँ और मुझे वो कार्स चलाना बहुत पसंद है और आई एम नॉट लुकिंग एट द फर्स्ट सेकेंड राइट नाउ एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड आई एम जस्ट लव गोइंग टू गो एंड एन्जॉय माई सेल्फ एंड जस्ट एन्जॉय माई सेल्फ एट द ट्रैक एक्चुअली थैंक यू फोटो इतना बड़ा चल रहा है कि आप बाइक